एक कैंडल मेरे वाले केक पे भी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एट होम। सो टुडे इज माय डैड बर्थडे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, मैं केक बेक करती हूँ। तो मैंने रेड वेलवेट केक ट्राई किया, जो कि रेड वेलवेट तो बना नहीं, ब्राउन वेलवेट बन गया, बट वो बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा स्पंजी था। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि पता चले मैंने कहाँ गड़बड़ की है और कोई टिप्स और ट्रिक्स। अभी हम बनाएंगे होममेड बटर मिल्क, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध और उसके अंदर मैं 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको 5 से 10 मिनट तक के लिए काउंटर पे ही रख दूँगी ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने दूसरा बाउल लेके हम अपना ड्राई मिक्सचर रेडी करेंगे, तो उसके अंदर मैंने पहले छनली ले लेंगे छानने के लिए। फिर उसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा और 2 चम्मच मैं भर भर के डाल दूंगी इसमें कोको पाउडर के, एक और ये दूसरी भी चम्मच हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए, तो अच्छे से छान लेना। फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। बाउल लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी और उसमें फिर मैंने 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ना हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसी से हमें हमारा केक फ्लफी बनेगा और स्पंजी बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें एयर इनकॉर्पोरेट करानी है ना, इसलिए उसको अच्छे से मिक्स करना। इसको बहुत देर मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस और 3 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर घर पे बनी हुई दही। अच्छे से फिर इसको मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी कलर। ये इस कलर ने ना सब गड़बड़ किया था, ये लॉकडाउन की वजह से ना पापा ने मुझे कलर ला के दिया तो ये ऑरेंज हो गया, तो मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं ऑरेंज से भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। पापा से मंगवाया था ना, खुद जाके ला नहीं पाई थी। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो हमारा ड्राई पाउडर था वो मिक्स करेंगे, हम सारा एक साथ में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मतलब 2 बार में, और इसके साथ फिर बटर मिल्क डालेंगे, फिर से ड्राई पाउडर डालेंगे और इन सबको और फिर से बचा हुआ बटर मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हो गया गड़बड़, ये रेड का है, ये तो ब्राउन हो गया। और यहाँ पे ना ज़्यादा बैटर को ज़्यादा मिक्स मत करना क्योंकि फिर उससे वो टाइट हो जाएगा, मतलब तो ज़्यादा हार्ड सा और वैसा बन जाएगा। बाद मैंने बचा हुआ बटर मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ये ब्राउन हो गया। अच्छा अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो मैंने क्या किया, मैंने केक पैन को उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया चारों तरफ से ताकि वो चिपके ना, और उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के उसको डस्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था, ठीक है, ताकि वो ईजिली निकल जाए। इसके अंदर अब हम अपना सारा बैटर डाल देंगे। आज हम बनाएंगे ब्राउन वेलवेट केक, रेड वेलवेट केक की जगह। इसको अच्छे से टप टप करके मैंने इसको सेटल कर दिया, मेरे हाथ भी गंदे हो गए। और इसको मैंने कढ़ाई में नमक रखा था, नमक को 10 मिनट तक पहले गर्म किया, अब उसके ऊपर मैंने रख के उसे ढक के रख दिया। और अब हम बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग वो करेंगे, ये अच्छी नहीं बनी थी पर मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें क्या करना। तुम इसमें ना इसको बटर को थोड़ा ठंडा रखना, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं कि पिघल जाए। तो मैंने इसमें बटर लिया, उसमें चीनी डाली और उसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया, उसको अच्छे से बहुत देर तक ताकि वो फ्लफी सा हो जाए। फिर मेरा केक बन गया था, इसको मैंने अच्छे से निकाला ढंग से, ये निकला नहीं था, बहुत धीट था, मुश्किल से निकला है, पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ना अच्छा लग रहा था, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और ये बहुत ऊपर तक फूल गया था,
मुझे लगा नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि बन जाएगा ऐसा। इसको मैंने ऊपर से, ये थोड़ा अनइवन सा था तो मैंने इसको काट दिया। इतना स्मूथली कट रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था काटने में। कितना सॉफ्ट है, और इसमें देख स्पेस भी है ना, तो स्पंजी सा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। ऐसा केक मुझसे पहले कभी नहीं बना। इसको हम इस क्रीम को हम इसके ऊपर लगा के सेट कर देंगे, हम इसे सुंदर सुंदर बना देंगे। इसमें जो भी तुमसे हो पाए वो तुम कर दो। मैंने इसके अंदर क्या किया, जो बचा हुआ मैंने ऊपर से केक काटा था ना, उसको मिक्सी में पीस के इसके ऊपर छिड़क दिया ताकि वो थोड़ा सुंदर लगे। ना मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी कि थोड़ा ढंका हो, पर ये नहीं बना। पर ये टेस्टी था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। रेडी है यार, अच्छा था। इसे शक्ल पे पहुँचा था।